फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ अकेडमी बाय रुचि जैन। इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉट्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि टॉट्स की सीरीज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो आज से इस वीडियो में हम टॉट्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो आपके लिए बिहार सिविल जज 2020 और MPADPO और जितने भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम्स हैं जिनमें टॉट्स आपका सब्जेक्ट रहेगा, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। इस सीरीज में मैंने सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं जो डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट जुडिशरी एग्जाम्स में आपसे पूछे जा चुके हैं, और भी जो प्रोबेबल क्वेश्चन आंसर्स आपके फ्रेम हो सकते हैं वो भी इस सीरीज में मैंने इंक्लूड किए गए हैं। तो चूंकि ये अभी रिसेंटली बिहार सिविल जज 2020 का आपका एग्जाम है, तो अभी बिहार सिविल जज के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये सीरीज बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। लगभग इस सीरीज में मैं आपके 400 से 450 क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगी। ये सीरीज में अभी इस आज के वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस डाले हुए हैं और 10-10 क्वेश्चन की सीरीज में आपके लिए डेली बेसिस पे स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये इस सीरीज का पार्ट फर्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज का। जो इस सीरीज में हमने क्वेश्चन आंसर रखे हैं वो हमने रखे हैं चैप्टर फर्स्ट से, टॉट से। चैप्टर फर्स्ट जो टॉट का है वो बात करता है मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ टॉट, अकृत्य का अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं सामान्य सिद्धांत। तो जैसा कि आप लोगों को पता हुआ कि टॉट्स जो है एक अनकोडिफाइड लॉ है, और हम कह सकते हैं कि इसका कोई वेरिट नहीं होता है, ये बुक से पढ़ा जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और वास्ट सिलेबस है, और टाइम की चूंकि बहुत कमी है बिहार एस्पिरेंट्स के पास, तो आई थिंक उनके लिए ये जो सीरीज है बहुत कारगर सिद्ध होने वाली है। और MPADPO के बच्चे भी इस सीरीज को ज़रूर देखें, क्योंकि MPADPO में भी टॉट से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं फ्रेम होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज को क्वेश्चन आंसर की। लेट्स बिगिन। तो स्क्रीन पर पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ टॉट्स इज स्टैट्यूटरी लॉ, सेकंड ऑप्शन इनेक्टेड लॉ, थर्ड ऑप्शन कोडिफाइड लॉ एंड लास्ट ऑप्शन अनकोडिफाइड लॉ। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है D1, दैट इज अनकोडिफाइड लॉ। हिंदी में भी एक बार इसको बता देती हूँ। अकृत्य विधि कैसी विधि है? सांविधिक विधि है, अधिनियमित विधि है, संहिताबद्ध विधि है या असंहिताबद्ध विधि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर D, असंहिताबद्ध विधि है। ये जो विधि है आपकी, ये कैसी है? असंहिताबद्ध विधि है। ये जो D1 है ये राइट आंसर है। मैंने आपको पहले ही बताया कि लॉ ऑफ टॉट्स कैसा है, ये अनक्वालिफाइड है। अनक्वालिफाइड का मतलब क्या होता है? ऐसी विधि जिसको एक क्वालिफाइड तरीके से संग्रह नहीं किया गया है, मतलब इसमें आपने देखा होगा कि इसमें कोई सेक्शंस नहीं है। तो जिन लॉज में सेक्शंस बना करके उनको एक जगह एकत्रित करके एक विधि बना दी जाती है, उसको बोलते हैं क्वालिफाइड लॉ। संहिताबद्ध विधि मतलब हमने उनको क्रमांक दिए हैं, संख्यांक दिए हैं, और उनको एक जगह एकत्रित करके उनको एक नाम दे दिया है, तो वो होता है क्वालिफाइड लॉ। अनक्वालिफाइड लॉ ऐसा लॉ होता है जिसमें हम क्रमांक के माध्यम से संख्यावत नहीं करते हैं लॉज को। बस ये लॉज जो होते हैं ये कैसे बन जाते हैं, जब भी कोर्ट के सामने कोई मामला आता है, कोर्ट उस मामले पे कोई डिसीजन देता है और वो डिसीजन रूल ऑफ लॉ की तरह प्रिवेल हो जाता है। तो लॉ ऑफ टॉट्स भी कुछ इसी तरीके का सब्जेक्ट है। नए नए प्रकार के जो ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स अराइज होते हैं पार्टीज के बीच में, कोर्ट में जाते हैं, जो किसी भी लॉ से गवर्न नहीं होते हैं, तो फिर नॉर्मल प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी के माध्यम से जब इनको सॉल्व किया जाता है और वो जो डिसीजन आते हैं, तो ऐसे ही डिसीजंस को जोड़ जोड़ के जो है ये एक एक्ट आपका तैयार हुआ लॉ ऑफ टॉट्स। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ टॉट्स असंहिताबद्ध विधि है, अनक्वालिफाइड लॉ है। चलिए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 है इंडियन लॉ ऑफ टॉट्स बेस्ड ऑन विच कंट्रीज लॉ ऑफ टॉट्स।
भारत की अपकृत्य विधि कौन से देश की अपकृत्य विधि पर आधारित है, इसमें ये पूछा गया है कि जो लॉ ऑफ टॉट ऑफ इंडिया है वो किस कंट्री पर बेस्ड है। तो इसमें आपके ऑप्शन है, पहला अमेरिका, दूसरा है आपका स्पेन, तीसरा है जापान और फोर्थ वन इज इंग्लैंड। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका आंसर है आपका डी इंग्लैंड, मतलब हमारा जो टॉट्स इंडिया का है वो किस कंट्री पर बेस्ड है, वो इंग्लैंड की कंट्री पर बेस्ड है, ये आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन रिलेशन टू टॉट। इसमें पूछा गया है कि अपकृत्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, आपको इनकरेक्ट असत्य स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में बताना है। पहला ऑप्शन है, टॉट इज दैट सिविल रॉन्ग इन विच एनी लीगल राइट ऑफ द प्लेंटिफ इज इनफ्रिंट। अपकृत्य ऐसा सिविल अपकार है जिसमें वादी के किसी वैधानिक अधिकार का हनन या उल्लंघन होता है। सेकेंड, टॉट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अपकृत्य संविदा भंग या न्यास भंग से अलग है। थर्ड वन इज सूट फॉर कंपनसेशन में बी फिल्ड फॉर रेमेडी फॉर टॉट, अपकृत्य के उपचार के लिए क्षतिपूर्ति का वाद पेश किया जा सकता है। और लास्ट ऑप्शन है आपका, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सारे क्या हैं, ये आपके करेक्ट हैं। तो आंसर इज डी वन, सारे ऑप्शंस इसके करेक्ट हैं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टॉट जो है एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए रेमेडी जो है लीगल राइट, जो अपना रेमेडी होती है वो आपकी हनन, जो आपका विधिक अधिकार का हनन होता है, उल्लंघन होता है, उसके लिए ही होती है। ये ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है और ना ही ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, क्योंकि ये किसी लॉ में आने वाली विधि नहीं है, मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब किया। उसके बाद इसमें जितने भी टॉट के अंदर जितने भी मैटर होते हैं, जो रेमेडी होती है वो आपको कंपनसेशन के तौर पर मिलती है। ये तीनों ऑप्शंस आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट टॉट इज डिफाइंड। अब ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी 2006 में भी आ चुका है और भी कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो अब आपको याद रखना है कि टॉट को टॉट के अलावा कौन से एक्ट में डिफाइंड किया गया है, लिमिटेशन एक्ट में, सीपीसी में, आईपीसी में, जनरल प्रोसेस एक्ट 1897 में। तो इसको डिफाइंड किया गया है लिमिटेशन एक्ट में, आपको ध्यान रखना है, लिमिटेशन एक्ट 1963 की सेक्शन 2 एंड में इसको डिफाइंड किया गया है। तो टॉट को किस एक्ट में डिफाइंड किया गया है, लिमिटेशन एक्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम अपने, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कमेंटेटर्स ऑफ लॉ ऑफ टॉट्स इज, अपकृत्य विधि के महत्वपूर्ण टीकाकार कौन है, विनफील्ड, सामंड, फ्लेमिंग या सभी। तो आप लोगों ने अगर टॉट्स को थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, एलएलबी में भी पढ़ा होगा, तो भी आप इसका आंसर बहुत इजीली दे लेंगे, सभी, विनफील्ड, सामंड, फ्लेमिंग, फ्रेजर और ह्यूजन, बहुत सारे ऑथर्स कमेंटेटर्स हैं जिन्होंने टॉट्स को बहुत अच्छी तरीके से समझाया। तो इसका ऑप्शन है ऑल, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट टीकाकार या इम्पोर्टेंट कमेंटेटर लॉ ऑफ टॉट्स के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, दिस इज लॉ ऑफ टॉट एंड नॉट लॉ ऑफ टॉट्स, हु वॉज द सपोर्टर ऑफ दिस प्रिंसिपल। यह अपकृत्य की विधि है ना कि अपकृत्यों की विधि, इस सिद्धांत के समर्थक कौन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जा चुका है, आईएएस प्री 1997 में पूछा जा चुका है, एमपीपीएससी 2006 में पूछा जा चुका है और भी बहुत से एग्जाम्स में इसको पूछा जा चुका है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना है इसको, कि इसको लॉ ऑफ टॉट ना कहकर कि लॉ ऑफ टॉट्स किसने कहा है, विनफील्ड ने, सामंड ने, फ्लेमिंग ने या ह्यूस्टन ने। तो इसका आंसर है ए, इट मींस विनफील्ड, विनफील्ड की थ्योरी है लॉ ऑफ टॉट, इन्होंने इसको क्या कहा है, लॉ ऑफ टॉट एंड नॉट लॉ ऑफ टॉट्स, अपकृत्यों की विधि नहीं, अपकृत्य की विधि किसने कहा है, विनफील्ड ने कहा है।
बिल्कुल ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, बहुत कंफ्यूजन होता है इस क्वेश्चन में। तो विनफील्ड ने कहा है अपकृत्य की विधि और सामंड ने कहा है लॉ ऑफ टॉप्स। आगे बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डेफिनेशन से है, तो पहले हम क्वेश्चन समझते, फिर आगे मैं बात करती हूँ। टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज अ कॉमन लॉ एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मैरिली इक्विटेबल ऑब्लिगेशन। हु गेव द अबव डेफिनेशन? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो उपरोक्त परिभाषा है ये किसने दी है। अपकृत्य एक दीवानी दोष है जिसका उपचार सामान्य विधि के अनुसार अनिर्धारित नुकसानी की कार्यवाही है और जो एकमात्र न्यास भंग या अन्य किसी सामायिक आभार का उल्लंघन मात्र नहीं है। यह अपकृत्य की परिभाषा किसने दी है? विनफील्ड ने, फ्रेजर ने, अंडरहिल ने या सामंड ने? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है डी, सामंड ने। इस तरीके के क्वेश्चन टॉट से बहुत पूछे जाते हैं। ये बिहार सिविल जज 2013 में पूछा गया था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप चैप्टर फर्स्ट टॉट का खोलिए, उसमें कुछ सिलेक्टेड ऑथर्स के डेफिनेशन दी गई है, स्पेशली विनफील्ड, फ्रेजर, सामंड। आपको इनकी डेफिनेशंस और लिमिटेशन एक्ट की डेफिनेशन का भी मेंशन मिलता है। तो ये चारों पांच डेफिनेशंस आपको याद कर लेनी है बिल्कुल एज इट इज। आपको बाय वर्डिंग याद हो कि सामंड ने कैसे डिफाइन किया है, विनफील्ड ने कैसे डिफाइन किया है, फ्रेजर ने कैसे डिफाइन किया है। तो उनकी वर्डिंग्स एज इट इज डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन पर्टिकुलर किसने दी है। तो यहाँ सामंड की पूछ ली गई है इस क्वेश्चन में, विनफील्ड की भी पूछी जाती है, फ्रेजर की भी पूछी जाती है और लॉ ऑफ लिमिटेशन के अकॉर्डिंग भी पूछी जाती है। तो आपको इसके साथ साथ ये डेफिनेशंस भी याद करनी है। चलिए अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है द लॉ ऑफ टॉर्ट कंसिस्ट ऑफ अ बॉडी ऑफ रूल्स एस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिक इंजरीज, देयर इज नॉट एनी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी इन टॉर्ट। This idea is presented by which of the following? अपकृत्यों की विधि ऐसे नियमों के समूह से निर्मित है जिनसे विनिर्दिष्ट क्षतियों की संस्थापना की गई है। अपकृत्यों के लिए दायित्व का कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है। ये विचार किसने प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन है विनफील्ड, जेम्स, सामंड, फ्लेमिंग। तो इसका जो आपका आंसर है, इसका आपका आंसर है सी, ये विचार जो है सामंड जी के हैं। सामंड जी ने ये विचार व्यक्त किए थे कि जो अपकृत्य विधि होती है वो एक ऐसे रूल्स का ग्रुप या ऐसे नियमों का समूह है जिससे विनिर्दिष्ट क्षति की संस्थापना की गई, एक स्पेसिफिक प्रकार की इंजुरीज जो है आपकी एस्टेब्लिश होती है और इसके लिए कोई जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइबिलिटी नहीं है। ये आइडिया सामंड जी ने दिया है और ये आपको बांग्या की किताब में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये थोड़े से डीप क्वेश्चन है जो आपको बुक में जो व्याख्याएं दी गई हैं अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, अलग अलग कमेंटेटर्स के द्वारा, तो उनकी कभी कभी विचार पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो हमारी सीरीज में कवर हो जाएंगे, तो आपको अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि विच सेक्शन ऑफ लिमिटेशन एक्ट डिफाइंड टॉर्ट। देखिए मैंने कहा था ना कि लिमिटेशन एक्ट और कुछ चार पांच ऑथर हैं, उनकी डेफिनेशन पूछी जाती है। परिसीमा अधिनियम की कौन सी धारा अपकृत्य को परिभाषित करती है? ये यूपीपीएससी 2006 में पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन है 2M, 2N, 2O, 2P। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है 2M। ध्यान रखना है लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 2M डिफाइन द टर्म टॉर्ट। 2M में टॉर्ट को डिफाइंड किया गया है परिसीमा अधिनियम में, ठीक है। और कभी कभी परिसीमा अधिनियम में जो डेफिनेशन दी है 2M के अंतर्गत, वो डेफिनेशन भी आपको एज इट इज लिखी हुई आ सकती है और पूछ लेंगे कि ये टॉर्ट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है। ऑप्शन दे देंगे, ऑथर्स का नाम दे देंगे, लिमिटेशन एक्ट दे देंगे, तो आपको लगाना होगा कि लिमिटेशन एक्ट में ये डिफाइन किया गया है। तो लिमिटेशन एक्ट की सेक्शन 2M
खोलिए और उसमें जो डेफिनेशन टॉट की दी गई है उसको याद कर लीजिए एक बार, बस इतना काफी है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हमारे आज का लास्ट क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 इज टॉट इज अ सिविल रॉन्ग, क्रिमिनल रॉन्ग, पब्लिक रॉन्ग, मोरल रॉन्ग। अपकृत्य एक सिविल दोष है, आपराधिक दोष है, लोक दोष है या नैतिक दोष है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिविल रॉन्ग। टॉट जो है एक क्या है, सिविल रॉन्ग है। हमेशा याद रखना टॉट एक सिविल रॉन्ग है। आप जब भी डेफिनेशंस पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इट इज अ सिविल रॉन्ग। लेकिन ये एक ऐसा सिविल रॉन्ग है जो ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आता है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में आता है। इस तरीके का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। तो ये सीरीज हमारी जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है एंड आई होप कि आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। और अगर आप कंटिन्यू ऐसी सीरीज चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कंटिन्यू ऐसी सीरीज चाहते हैं, तो मैं डेली आपके लिए 10-10 क्वेश्चन की ऐसी सीरीज लाऊंगी और आपको टॉट्स अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारे क्वेश्चन आंसर की नेक्स्ट सीरीज में।